हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर के बारे में, जो कंपनी में कंटिन्यूसली पिछले 2 महीनों से न्यूज़ आ रही है। उससे आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर जो आज हमें 220 रुपये के आसपास मिल रहा है, वो फ्यूचर में हमें 500-600 होते हुए भी नजर आएगा, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट कंटिन्यूसली जिस हिसाब से कामकाज कर रहे हो, जो इनके फ्यूचर प्लान्स है और जो मार्केट में इनकी न्यूज़ घूम रही है, उससे आने वाले समय में ये स्टॉक हमें एक मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला है। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट्स होंगे सभी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के आप करंट प्राइस देखोगे 246 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, और फिलहाल हमें ये स्टॉक आप देखोगे नीचे जाते हुए नजर आएगा, और ये स्टॉक में हमें काफ़ी जल्दी कम बैक करते हुए नजर आएगा, क्योंकि मार्केट में जो इसके न्यूजेस है काफ़ी बढ़िया है, और जो इसके मैनेजमेंट के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जो ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी धूम मचाने वाले, और जो उनके बिजनेस में उतरने वाले, जैसे कि आप सबको मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया कि जो लोन सेक्शन में आने वाले, लोन सेक्टर में, और जो क्रेडिट कार्ड में भी ये बिजनेस में उतरने वाले, और भी काफ़ी बड़े बड़े इनके जो प्लान्स है, जैसे कि होम लोन्स, कार लोन, जैसे बड़े बड़े इनके जो प्रोजेक्ट्स हमें 2024 में देखने को मिलेंगे। तो ये स्टॉक में हमें आप तो फिलहाल तो देखोगे 246 के आसपास जो एक डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में ये हमें और भी बड़े टारगेट्स यहाँ से दिखा सकता है, और काफ़ी बड़े लेवल्स दिखाने वाला है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो इसकी करंट प्राइस पे आप नजर डाल 246 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जो इसका 52 वीक हाई देखोगे आप तो 251 के आसपास ही, जो कि अपने ब्रेकडाउन के काफ़ी नज़दीक, और 52 वीक लो देखोगे 215 रुपीज़ के आसपास की कंपनी, और जो मार्केट कैपिटल देखोगे काफ़ी बढ़िया है। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के क्वार्टर की बात करें कि आप सभी को पता होगा, जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विस एक न्यू लिस्टेड कंपनी है और कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं, लेकिन फिर भी आप देखोगे इसके जो सेकंड क्वार्टर में हमें 688 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ था, तब कंपनी का जो बिजनेस था इतना ज़्यादा भी नहीं था, क्योंकि न्यू लिस्टेड कंपनी थी और नई नई कंपनी। लेकिन आप सोचो जो अभी कंपनी के मैनेजमेंट है, जो फ्यूचर में इनके 2024 जनवरी से जो इनके सभी प्रोजेक्ट्स शुरू होने वाले और पैन इंडिया लेवल पर सभी प्रोजेक्ट्स शुरू होते हुए नजर आएंगे, लेकिन आप ये खबर देखोगे तो 227 रुपये के आसपास कारोबार करने वाले रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर ने अपने दूसरे क्वार्टर में 668 करोड़ का जो मुनाफा कमाया था लिस्टिंग के बाद, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और ये इसलिए बढ़िया है क्योंकि जब कंपनी के पास इतना कोई कामकाज भी नहीं था, कंपनी के इतने कुछ प्रोजेक्ट भी नहीं थे, लेकिन अब मैनेजमेंट ने, जो आप सभी को पता ही हो जियो फाइनेंशियल सर्विस बहुत जल्द लोन्स में और इंश्योरेंस ब्रोकिंग में, पेमेंट्स बैंक में और पेमेंट सॉल्यूशन में, सब में उतरने वाला है, और साथ ही वो क्रेडिट कार्ड बिजनेस में भी उतरने वाला है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। लेकिन जो इनका क्रेडिट कार्ड बिजनेस में उतरने वाला है, वो एक गेम चेंजर होने वाला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ये एक डेटा शो रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, जो जिसमें ये शो कर रहा है कि एक न्यूज़ से कि अप्रैल में आप देखोगे 2022 में जो क्रेडिट कार्ड थे वो इंडिया में 7.5 करोड़ के करीब 75 बिलियन थे, लेकिन वही आप देखोगे अप्रैल 2023 में आते 8.6 करोड़ हो गए, मतलब एक 15% का जो उछाल आया क्रेडिट कार्ड बिजनेस में। मतलब आप देखोगे, मतलब लोगों इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और जिसमें अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज उतरने वाला है। और आप सभी को पता होगा जब जियो ने अपने जियो सिम लॉन्च किया था इंडिया में, तब कैसे कैसे ऑफर दिए थे और काफ़ी लोगों को उसने अपनी तरफ खींचा। तो आज आप देखोगे जियो इंडिया का नंबर वन टेलीकॉम ऑपरेटर बना हुआ, और इसी तरह जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हमें जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस में उतरने वाले, और जिस स्पीड से आप देखोगे जो आरबीआई ने शो किया है 15% एवरी ईयर जो ग्रोथ हो रही क्रेडिट कार्ड बिजनेस में, मतलब आप देखोगे तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे अगर जियो फाइनेंशियल सर्विस इस स्टॉक में, इस सेक्टर में उतर गया, तो इसका प्रॉफिट भी आने वाले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और आरबीआई ने ये भी शो किया कि 2024 में शुरुआती दौर में ही 10 करोड़ के आसपास 100 बिलियन हो जाएगा, ये उनका माइलस्टोन है। अगर और जियो फाइनेंशियल इसमें उतरता है तो ये 10 करोड़ से 15 करोड़ कब हो जाए किसी को पता भी नहीं चलेगा, इतनी तेज़ी से जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इस सेक्टर में उतरेगा, तो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है ये स्टॉक के लिए अभी हमें। और एक न्यूज़ ये भी थी कि जो मैंने आपको मेरे पुराने वीडियो में बताया कि जियो फाइनेंशियल सर्विस बहुत जल्द बॉन्ड इशू करने वाला है, करीब करीब 5000 करोड़ से 10000 करोड़ के आसपास जो बॉन्ड इशू करने वाला है, क्योंकि जो कंपनी अभी सीसीआई में थी, जो कि अभी एनटीपीसी में आ गई, क्योंकि जब सीसीआई में कोई भी कंपनी रहती तो जो फॉरेन इन्वेस्टर से वो इतना उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि आरबीआई की कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होती है। लेकिन आप देखोगे अब सीसीआई से कंपनी बाहर निकल गई, और जिससे अभी जो बॉन्ड इशू की न्यूज़ेस उसके बाद ही आ रही, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स तो इन्वेस्ट ऑलरेडी इसमें कर, लेकिन अभी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो भी अब आपको जियो फाइनेंशियल सर्विस में
देखने को मिले और बहुत तेज़ी से देखने को मिले। इसीलिए जो कंपनी अभी हमें CCI से बाहर आती हुई नज़र आएगी, जो कि काफ़ी बढ़िया पॉइंट है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आप देख सकते हो द कंपनी मे बी लुकिंग टू रेस अराउंड 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ थ्रू इशू एंड मे टैप द मार्केट इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, ये रिपोर्ट से। तो मतलब ये जो न्यूजेस है जिसपे जियो फाइनेंशियल सर्विस ने तो अभी तो नकार दिया कि वो ऐसे कोई विचार नहीं कर रही, लेकिन ये मार्केट में न्यूजेस आई, लेकिन ये फ्यूचर में हमें आने वाले कुछ समय में होती हुई नज़र आ सकती है। जियो फाइनेंशियल सर्विस के फंडामेंटल्स पे बात करें तो बुक वैल्यू आप देखोगे 182 रुपीज़ के आसपास है और फेस वैल्यू देखोगे 10 रुपीज़ के आसपास। मार्केट कैपिटल काफ़ी बढ़िया है, जो कि काफ़ी बढ़िया पॉइंट है। कंपनी का जो सबसे बढ़िया पॉइंट मुझे लगा वो कंपनी पे कोई कर्जा नहीं, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो कि काफ़ी बढ़िया कंपनी है। और पीयर कंपैरिजन में आप देखोगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हमें 3rd नंबर पर दिखाई दे रही है और इंडिया की, और उसके ऊपर की आप कंपनियों पर देखोगे जैसे बजाज फाइनेंस तो काफ़ी बड़े बड़े लेवल्स पर वो अभी फिलहाल तो हमें दिख रही है काफ़ी बड़े फिगर्स पे। और जियो फाइनेंशियल सर्विस आप देखोगे 246 रुपीज़ के आसपास है, उसके नीचे की कंपनीज पे भी आप देखोगे काफ़ी बड़े फिगर्स हैं उनके भी। तो अभी तो हमें ये काफ़ी अंडर वैल्यू में स्टॉक हमें मिला है, इन फ्यूचर में ये काफ़ी बड़े टारगेट्स हमें दिखा सकता है और डेफिनेटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हमें आने वाले एक साल में एक मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला है और डेफिनेटली बहुत जल्द हमें स्टॉक में कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगती हुई भी नज़र आ सकती है। और सेल्स पर हम नज़र डालोगे, एक न्यू लिस्टेड कंपनी है लेकिन आप देखोगे सिर्फ कंपनी का भी 2 क्वार्टर्स आए और देखोगे उसमें भी कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया, जो जून में इनके सेल्स देखोगे तो 414 करोड़ के आसपास थे और जो सितंबर में आते आते 608 करोड़ हो गए, लेकिन जो अभी इनका लेटेस्ट क्वार्टर आएगा उसमें ये सेल्स हमें 1,000 करोड़ के पार होते हुए नज़र आ सकते हैं और आने वाले कुछ और क्वार्टर्स में इनके सेल्स और भी ज़्यादा तेज़ी से इंप्रूव होने वाले और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हमें। कंपनी के रिजर्व पर बात करें, कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व पड़े, बोरिंग पर आप नज़र डालोगे तो 0 है, जो कि और अदर लाइबिलिटीज़ पे भी आप देखोगे तो करीब करीब 4,000 करोड़ के आसपास है, तो कोई इतनी चिंता की बात नहीं क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी ज़्यादा और जो अभी बॉन्ड इशू भी करने वाले हैं जिससे आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल सर्विस हमें एक मल्टीबैगर रिटर्न डेफिनेटली देने वाला है। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी आप देखोगे 2,000 करोड़ के आसपास है, डेप्टर डे भी आप देखोगे तो 113 डे के आसपास है, जो कि कोई इतनी चिंता की बात नहीं है। बाकी सब तो देखोगे तो काफ़ी बढ़िया पॉइंट है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे 46% के आसपास है, FIs की भी 21% के आसपास, DS ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ा के रख ली है 13% के आसपास, और आने वाले समय में जो FIs और DS के आपको इस स्टॉक में होल्डिंग और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जो बॉन्ड इशू होने वाला है और जो कंपनी अब CCI में आ गए जिससे फॉरेन इन्वेस्टर इस जियो फाइनेंशियल सर्विस में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाने वाला है और ये हमें FIs और DS की होल्डिंग आने वाले कुछ महीनों में और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, जियो फाइनेंशियल सर्विस में और भी कोई लेटेस्ट न्यूज़ होगी तो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको किसी स्टॉक के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।